हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कहां पर कौन सी सीट रिक्त है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है, जिसकी चॉइस फिलिंग 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर कौन कौन सी सीट है। आप ये ध्यान में पहले देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ कौन सी सीटें अवेलेबल है और आपको क्या मिल सकता है, ये आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिशियन चाहते हैं, बाकी उनको एक ही कॉलेज को पकड़ के रखे हुए हैं, तो जिसके कारण से उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। आप थोड़े ऑप्शन, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चाहिए तो अगर आप दूसरी जगह थोड़ा स्विच करेंगे तो हो सकता है कि आपको मिल सके। बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आपको खाली मिलेगा और आप वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन कर सकते हैं। और अगर आप अदर ट्रेड की बात भी करें, चॉइस फिलिंग ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि वहाँ पर सीट अवेलेबल है या नहीं है, फिर भी वो चॉइस फिलिंग करते हैं और सीट नहीं मिलती है। तो अब ये 2 राउंड 4 राउंड हो चुके हैं, जिसके बाद 3 राउंड हो चुके हैं हमारे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी सीट अवेलेबल है जिसके हिसाब से बच्चा चॉइस फिलिंग करे और वो वहाँ पर एडमिशन ले। तो सबसे पहले हम खरगोन जिले की बात करेंगे। तो खरगोन जिले में अगर हम देखें, इंदौर जैन के अंतर्गत आता है। तो खरगोन जिले में अगर भगवानपुरा आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटीआई भगवानपुरा, जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एनसीबीटी कोर्स है, जहाँ पर आपको 32 सीटें अभी भी खाली है। अगर आप किसी को कोपा करना है तो वो भगवानपुरा में ट्राई कर सकता है। वैसे ही भगवानपुरा में एक और सेकंड ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये एससीबीटी में, यहाँ पर 9 सीट खाली है। तो अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो कर दीजिए, क्योंकि अब ओपन राउंड रहेगा, आरक्षण वाले राउंड थोड़े ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका नाम आ सके। भगवानपुरा में अगर हम डीजल मैकेनिकल की बात करें, तो यहाँ पर डीजल मैकेनिकल की 30 सीट अभी भी खाली है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। भगवानपुरा में कटिंग स्विंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी आपको 15 सीट अभी अवेलेबल है, अगर जो महिलाएँ या पुरुष जो करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। वही भगवानपुरा में वेल्डर की 15 सीटें खाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि भगवानपुरा आईटीआई में 5 ट्रेड है और वहाँ पर मैक्सिमम सीटें आपको अवेलेबल है। तो अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहें कि भगवानपुरा में करना है, तो आप एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिशियन आपको करना हो तो। उसके बाद अगर हम बीकन गाँव की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की 8 सीट खाली है, बीकन गाँव में फिटर की 10 सीटें खाली है, और भीकन यहाँ पर 2 ट्रेड है, एक इलेक्ट्रिशियन और एक फिटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 और 10 सीट खाली है। तो अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई में अगर इलेक्ट्रिशियन करना है तो भीकन गांव भी एक चॉइस आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें गोगांव की, तो यहाँ पर भी 8 सीट खाली है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करही आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई करही, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की अगर देखे जाए तो 20 सीटें यहाँ पर अभी खाली है, स्टेनोग्राफर की 30 सीटें और वेल्डर की 37 सीटें खाली है। तो अगर आपको यहाँ करही में करना है, वेल्डर से करना है, स्टेनोग्राफर से करना है या इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, तो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली है। स्टेनो भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उसके बाद बात करें हम गवर्नमेंट आईटीआई कसावत की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में केवल 13 सीटें खाली है, इलेक्ट्रिशियन में 9, वेल्डर में 37। तो इस प्रकार से अगर 3 ट्रेड यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, कोपा और वेल्डर के लिए ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से करना हो तो। तो ये आपको ये जानकारी रहेगी तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए काफ़ी सहूलियत प्रदान करती है। खरगोन की बात करें, तो खरगोन में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12 सीटें खाली है, इलेक्ट्रिशियन में 60 सीट खाली है, फिटर में 8, मशीनिस्ट में 10 और मोटर मैकेनिक में 12, डीजल मैकेनिक में 23, स्टेनोग्राफर में 10, टर्नर में 15, वेल्डर में 31, सर्वेयर में 18, ड्राफ्टमैन सिविल में 9, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कोपा में 16। और तो यहाँ पर देखे जाए तो हम ड्राफ्टमैन सिविल में आपकी 9 सीटें खाली है। तो यहाँ पर लगभग आपको ये भी खरगोन आईटीआई में अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये ट्रेड है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस हिसाब से अगर आप खरगोन में कोई सी ट्रेड से करना चाहते हो तो पहले आप सबसे पहले उसके ऊपर रखें। उसके बाद हम बात करें तो गवर्नमेंट आईटीआई मंडलेश्वर की देखे जाए, तो यहाँ पर कंप्यूटर की 16 सीटें अभी भी खाली है और आईएमसी की भी 3 सीटें खाली है। तो आप यहाँ पर आईएमसी की भी फ़ीस अगर देखे जाए, तो यहाँ पर कंप्यूटर, वेल्डर और डीजल के लिए आईएमसी की फ़ीस भी 5,200 रुपये ही है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 16 सीट कोपा में खाली है और 3 सीट आईएमसी की भी खाली, तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। मंडलेश्वर में इलेक्ट्रिशियन की 6 सीट खाली है। वही मंडलेश्वर के फिटर की बात करें, तो हम फिटर में 9 सीट नॉर्मल सीट खाली है और 4 आईएमसी की भी सीट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद डीजल मैकेनिकल की बात करें, तो यहाँ 24 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है नॉर्मल सीटें और 7 सीट है आईएमसी की। तो यहाँ पर आप डीजल मैकेनिकल में ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपको मिल सकता है। वैसे मंडलेश्वर में बात करें वेल्डर की, तो 25 सीटें नॉर्मल है और 8 सीट आईएमसी की यहाँ पर खाली आपको मिल जाएगी। झिरनिया की बात करें, तो झिरनिया में इलेक्ट्रिशियन की 13 सीट खाली है और वेल्डर की 31 सीटें खाली है। तो ये जैसे हमने देखा खरगोन,
जिले के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी आईटीआई हैं और उसमें क्या क्या खाली है। अभी हम बात करें आपको कि मैं बताना चाहता हूँ कि दो नया आईटीआई खरगोन जिले में और खुले हैं, एक बड़वा आईटीआई और एक सेगांव आईटीआई। बाकी वहाँ की अभी सीटें अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ की भी सीटें आ जाएगी तो आप वहाँ से भी इलेक्ट्रिशियन ट्राई कर सकते हैं। शायद इसके बाद अगले राउंड या ओपन राउंड या कॉलेज लेवल काउंसलिंग में उसमें एडमिशन हो सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पर एडमिशन किस प्रकार से होंगे। कॉलेज तो स्टेबल होना स्टार्ट हो चुके हैं, उनको खोल दिया गया है और वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो मुझे तो जहाँ तक ऐसा लगता है कि लास्ट राउंड जो ओपन राउंड रहेगा वहाँ पर हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन वालों की डायरेक्ट भर्ती हो जाए। तो आपको इस हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर, आपको जो भी आईटीआई चाहिए वहाँ पर आप चॉइस फिलिंग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 तारीख से फिर से नया राउंड स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन, टूटी सुधार और सभी कर सकते हैं। तो आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।